दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका अपने देश की सुरक्षा के मामलों में दुनिया के सभी देशों से आगे है। जब भी आधुनिक हथियारों की बात होती है तो अमेरिका का नाम सबसे पहले स्थान पर आता है। अमेरिका ही वह पहला देश है जिसने सबसे पहले परमाणु बम बनाया। दोस्तों अमेरिका हमेशा ही अपने फौज को नंबर वन बनाने के लिए कुछ न कुछ नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते रहता है और यह बात आप भी जानते हैं। अपने देश की सुरक्षा से बढ़कर अमेरिका के लिए कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि रोबोट फौजी क्या है और यह कितना खतरनाक है। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल यूएसए ने रोबोट की एक ऐसी खतरनाक फौज तैयार की है और ये रोबोट इतने कमाल के हैं कि आपको हैरान कर देंगे। इस रोबोट का मुख्य उद्देश्य है सैनिकों के शारीरिक दबाव को कम करना और खतरे को डिटेक्ट करके सैनिकों को सूचित करना। यह रोबोट खतरे के समय में हथियार भी उठा सकते हैं और युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों को काफी मदद पहुंचा सकते हैं। इसमें सबसे पहला रोबोट है अल्फा रोबोट। दोस्तों यह अमेरिकी सैनिकों का बहुत ही कामगार रोबोट है। यह दिखने में किसी बड़े जानवर जैसा दिखाई देता है। इस रोबोट को एक्चुअली हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा संचालित किया जाता है। इस रोबोट को अमेरिका के बोस्टन डायनेमिक कंपनी ने बनाया है। यह रोबोट लगभग 481 किलोग्राम तक का वजन उठाने में सक्षम है। यह 24 घंटे की मिशन में 35 किलोमीटर बिना रुके चल सकता है और इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कंपनी दिन रात काम कर रही है। यह रोबोट GPS के इस्तेमाल करके दुश्मन के ठिकाने को तबाह कर सकता है और इसे कई प्रकार के सफल परीक्षण के बाद साल 2021 में इसे यूएसए सेना में शामिल भी कर दिया गया है। लेकिन इस रोबोट में एक कमी है जिसकी शिकायत यूएसए आर्मी समय समय पर बोस्टन डायनेमिक से करती है। यूएसए आर्मी का कहना है कि इस्तेमाल के समय अल्फा डॉग रोबोट बहुत ज्यादा शोर करती है। बोस्टन डायनेमिक कंपनी इस शोर को लगातार कम करने के लिए काम कर रही है। अगर इस रोबोट को पूरी तरह से साइलेंट बना दिया गया तो सोचिए यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। यह रोबोट इतना खतरनाक है कि 3900 फीट की ऊंचाई पर ही दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमान को ढेर कर सकता है। यह रोबोट एक सेकेंड में 5 गोलियां दाग सकता है। इस रोबोट को जब से यूएसए आर्मी में शामिल किया गया है तब से दुनिया के सभी देशों में हड़कंप मचा हुआ है। यह रोबोट इतना खतरनाक है कि दुनिया के 125 देश इस रोबोट पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप हमें जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।